हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। iOS 17 का बीटा 3 एप्पल ने री रिलीज किया है। री रिलीज यानी कि फिर से उसने रिलीज कर दिया है, और ये सिर्फ 377 MB का अपडेट है। इसके पहले जो iOS 17 का डेवलपर बीटा 3 आया था वो 1.15 GB का अपडेट था। तो यहाँ पे री रिलीज करने की जरूरत क्या पड़ी और इसमें क्या कुछ चेंज है, आइए हम करते हैं चेकआउट। iOS 17 बीटा 3 इसका जो अपडेट साइज है वो 377 MB का ही है, और यहाँ पे अपडेट से पहले का जो डेटा था मेरे आईफोन का बता देता हूँ आपको। यहाँ पे iOS वर्जन तो iOS 17.0 ही था। बहुत लोग 17 बेटा 3 को 17.3 बोलते हैं, ये गलत है, 17.0 बेटा 3 है। और यहाँ पे जो अवेलेबल फ्री स्पेस था वो 713 GB के आसपास था। अपडेट से पहले का जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में था H, और अपडेट के पहले का जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 2.04.01। अपडेट के बाद यहाँ पे जो अवेलेबल फ्री स्पेस है वो 500 MB के आसपास जो है घट गया है, 712.59 GB का है अभी। और अपडेट के बाद आपको बिल्ड नंबर सेम ही नजर आएगा, लेकिन उसके एंड में जो है H की जगह J है। H के बाद जो है एक पहले का लेटर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आगे का लेटर आ गया। ऐसा क्यों है? मे बी इसलिए है क्योंकि जो पब्लिक बेटा रिलीज होने वाला है उसके साथ ये मैच करे। ये देखेंगे हम आज या कल में जब पब्लिक बेटा एप्पल रिलीज करेगा। इस नए अपडेट के अंदर जो है मोडेम फर्मवेयर चेंज नहीं हुआ है, सेम 2.04.01 है। अब यहाँ पे जो री रिलीज एप्पल ने किया है उसमें क्या कुछ नया है या कुछ चेंज हुआ है, आइए करते हैं चेकआउट। यहाँ पे मैंने ये मैक्सेव वाला स्टैंड ले लिया है हाथ में, ताकि हमारा जो आईफोन है ये स्टैंड बाय मोड में चला जाए। तो इस पे हम इसको माउंट कर लेते हैं, और ये देख सकते हैं आप स्टैंड बाय मोड में आ गया। अगर आपको ऐसा वाला मैक्सेव स्टैंड आपके आईफोन के लिए लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और डिस्काउंट कोड भी आप ले सकते हैं वहां से। अब इसके अंदर जो है काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसके अंदर एक फ्लोट वाली क्लॉक होती है। ये क्लॉक वाले ऑप्शंस के अंदर आप जाएंगे तो ये फ्लोट वाली एक क्लॉक आपको देखने मिलती है। इसमें कुछ कलर ऑप्शंस वगैरह एप्पल ने ऐड किया है। तो यहाँ पे इस पे टैप एंड होल्ड करते हैं हम इस तरीके से, और यहाँ पे जो है इस पे टैप कर लेते हैं तो यहाँ पे कलर के काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने मिलते हैं, जिसमें से आप जो भी लगाना चाहे, जो कॉम्बिनेशन रखना चाहे वो रख सकते हैं आपकी पसंद से। एप्पल का जो कीबोर्ड है उसके अंदर अगर हम कीबोर्ड सेटिंग्स में चले जाते हैं, और यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है जो कीबोर्ड्स के अंदर ही हमको देखने मिलती है, उसमें एक न्यू कीबोर्ड ऐड करते हैं, जर्मन वाला, जर्मन फ्रॉम जर्मनी वाला मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं वही कीबोर्ड सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे स्वाइप टू टाइप वाला जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं, इस तरीके से आप जो है स्वाइप करके जर्मन में टाइप कर सकते हैं। अपने काम का नहीं, अपने को जर्मन आती नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे नई चीज आई तो बता रहा हूँ मैं आपको। आप अपने कॉन्टैक्ट्स में अगर जाएंगे और वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट ओपन करके आप एडिट पे टैप कर लेंगे, और यहाँ फिर से आप एडिट पे अगर टैप करते हो तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन आता है, जिसमें आप पोस्टर कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो आप जानते ही, इसके अंदर मोनोग्राम पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़े और कलर ऑप्शन जो है वो देखने मिलते हैं, ग्रेडिएंट वगैरह आप एडजस्ट इसका कर पाएंगे। तो एक छोटा सा ये भी एक चेंज आया, तो सोचा आपको मैं बता दूं। और अगला जो यहाँ पे एक नया फीचर ऐड किया एप्पल ने वो है स्पॉटलाइट के अंदर आर्टिस्ट सर्च। म्यूजिक अगर आप सुनते हो तो आर्टिस्ट डायरेक्टली आप स्पॉटलाइट से सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम सर्च करते हैं Eminem, तो यहाँ पे इस पे टैप करेंगे तो उसके बारे में जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके सॉन्ग्स वगैरह जो है आपको देखने यहाँ पे मिल जाएंगे। ये चीज एक न्यू ऐड किया एप्पल ने। iOS 17 बीटा 3 के रिलीज नोट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे नोन इश्यूज है, जैसे iCloud ड्राइव जो है वो फेल हो सकता है टू डाउनलोड या आफ्टर माइग्रेशन। जैसे आप पुराने फोन से नए फोन पे आ रहे हो या फिर iOS 16 से 17 पे जा रहे हो तो उसमें आपको इशू आ सकता है। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि फाइल जो है ठीक से अपलोडेड है। तो ये छोटे मोटे फाइल्स जो है, तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम जो है रहेंगे क्योंकि बेटा वर्जन, लेकिन इतना बड़े कोई बग्स यहाँ पे फिलहाल जो है एप्पल ने भी मेंशन नहीं करके रखा है। और अगर बग्स की बात करें जो हम लोग फेस करें डे टू डे लाइफ में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन का जो बग है यहाँ पे जो है काफी हद तक आपको देखने मिलेगा। iOS 16 में भी है, iOS 17 में भी है, ठीक से नोटिफिकेशन जो है आपके ओपन नहीं होते, और इतनी छोटी सी चीज एप्पल अभी तक फिक्स नहीं कर पाया। सीरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, iOS 17 वो देख लेते हैं। स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज अभी भी आई नहीं है, वो एक ही बार फीचर आया था, लगता है उसको बग्स वाली लिस्ट में से हमको हटाना चाहिए, क्योंकि अभी एप्पल शायद वो कभी लाए या ना लाए, हो सकता है आगे जाके स्टेबल वर्जन के टाइम पे लेके आए, तो ये एक प्रॉब्लम है। और ऐप क्रैशिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने ये चीज फेस किया, इंस्टाग्राम का जो थ्रेड्स वाला आया है नया फीचर या नया एप्लीकेशन उसके अंदर, तो यहाँ पे अगर हम नया कुछ पोस्ट करने को जाए तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक इमेज अटैच करता हूँ, डन पे टैप करता हूँ तो ये क्रैश हो जाता है। तो ये छोटे मोटे बग्स जो है आपको देखने मिलेंगे। ऐप क्रैशिंग भी आपको देखने मिल सकती है क्योंकि ये बेटा वर्जन है और हर ऐप जो है इसके हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं रहता है। अब स्टोरेज बग यहाँ पे है या नहीं वो देख लेते, क्योंकि आधा GB जो है वो स्टोरेज कम हुई है, इतनी भी ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। तो आईफोन स्टोरेज में जाते इसको कैलकुलेट होने देते हैं। यहाँ पे हमारा स्टोरेज जो है वो लोड हो चुका है, और देख सकते हैं नीचे जाके हम कि सिस्टम डेटा थोड़ा सा हायर साइड पे है, 23.15 GB, जबकि एप्पल ने iOS 16 में फिक्स कर दिया था 15 GB, 16 GB, 10 GB, 5 GB, 2 GB ऐसा रहता था, लेकिन अभी थोड़ा हायर साइड पे। तो देखते हैं फ्यूचर अपडेट्स में क्या ये कम होता है नहीं होता है। वैसे 1 TB वाला आईफोन के लिए 23.5
5GB होना, अदर्स वाला स्टोरेज ये कोई ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा हायर साइड पे। अब यहाँ पे अगली चीज बैटरी लाइफ और नेटवर्क के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ चेकआउट कर लेते हैं तो 94% पे ही है। जो मैंने बताया आपको iOS 17 का जो बेटा 1 था बहुत ही खतरनाक था, 100 सीधा 94 लेके आ गया लेकिन उसके बाद ड्रॉप नहीं हुई है क्योंकि ये बेटा अपडेट जो है काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, हीटिंग भी यहाँ पे कंट्रोल्ड है, बैटरी लाइफ भी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है बेटा 1 के मुकाबले, लेकिन अभी भी iOS 16 पे अगर आप हो तो बैटरी लाइफ आपको वहीं पे बेटर मिलेगी। ओवरऑल जो बैटरी लाइफ मुझे मिल रही है वो ठीक ठाक है, अभी मैंने उसको प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया, मतलब 100 से 0 फिर 0 से 100 वैसा करके नहीं देखा, लेकिन ओके मिल रही है, इससे काफी ज्यादा जो है पहले मिला करती थी iOS 16 पे। रही बात दोस्तों नेटवर्क की, तो नेटवर्क यहाँ पे कोई इशू नहीं दे रहा है, वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप, पर्सनल हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, 5G सब चीजें जो है प्रॉपरली काम कर रही है, मुझे इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है। अब जनरल परफॉर्मेंस तो अच्छा है एक्सेप्ट फॉर ऐप क्रैशिंग, लेकिन यहाँ पे जो बेंचमार्क्स है वो चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हिस्ट्री में चलते हैं, सीपीयू स्कोर सबसे पहले देखेंगे, तो लास्ट अपडेट 6 जुलाई को आया था 1898 और 5460 और आज का अपडेट है 1905 और 5371। तो यहाँ पे जो है मल्टीकोर का स्कोर थोड़ा सा कम हुआ है और सिंगल कोर का थोड़ा सा बढ़ा है, तो 19-20 का फर्क है, इसको आप बिल्कुल भी जो है कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है और जैसा परफॉर्मेंस था वैसा ही आपको देखने मिलेगा सीपीयू के मामले में। जीपीयू के मामले में भी जो है कैसा है वो देख लेते, तो पहले था 15511 और आज है 15668, तो थोड़ा सा बड़ा ही है लेकिन वही 19-20 का फर्क है, फिगर करने की जरूरत नहीं, जैसा परफॉर्मेंस था वैसा ही देखने मिलेगा, यहाँ पे स्लो वगैरह नहीं किया एप्पल ने आपके फोन को। अब यहाँ पे कैलेंडर ओपन कर लिया मैंने क्योंकि iOS 17 का पब्लिक बेटा जो है आजकल में रिलीज होने वाला है, तो उसकी वीडियो भी बना के आपको बताऊंगा, उसको डाउनलोड इंस्टॉल करने का तरीका भी बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड चैनल पे, अगर आपको वो डाउनलोड इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं, वो भी बेटा वर्जन ही है लेकिन पब्लिक के लिए एप्पल रिलीज करता है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है उसका बिल्ड नंबर इसका बिल्ड नंबर यानी कि डेवलपर बेटा 3 का सेम ही रहने वाला है, फिर भी देखेंगे हम क्या रहता है क्या नहीं रहता है, वो वीडियो जो है आपको जरूर देखने मिलेगी चैनल पे आज रात या कल रात जब भी आता है अपडेट, उसके थोड़ी देर के बाद करता हूं मैं वीडियो बनाता हूं ताकि मैं उसको थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताऊं, वरना कैसे बता पाऊंगा कि ऐप्स क्रैश हो रहे या नहीं हो रहे। तो यही थी दोस्तों कहानी iOS 17 डेवलपर बेटा 3 की, पब्लिक बेटा आने का इंतजार कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।